हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो बहुत अभी डाउन पे आ गए हैं, और उनको अभी बाय करने से हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और वो एक बहुत अच्छी लेवल पे चालू है इस वक्त वो स्टॉक। हम आगे बढ़ने से पहले आप लेजेंड स्टॉक हट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे जल्दी 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, गाइस जल्दी से कर दो 300 सब्सक्राइबर। हम स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टॉक है पॉलीकैप लिमिटेड। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बट इस स्टॉक में निगेटिव न्यूज़ आ गई थी, वो भी फेक न्यूज़। उसके वजह से मार्केट मतलब पॉलीकैप बहुत नीचे आ गया गाइस, और ये फेक न्यूज़ के वजह से लोगों ने लोगों ने सेल कर दी स्टॉक, इसलिए कितना डाउन आ गया। पर अब इस लेवल पे पॉलीकैप लिमिटेड ने सपोर्ट ले लिया है इस लेवल पे, और अगर इसके आगे इस कैंडल के आगे अगर ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दी तब आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, इट इज़ फॉर ऑनली एजुकेशनल पर्पज। आप अपने एनालिसिस पे इस स्टॉक को ले सकते हो और बाय सेल कर सकते हो। हाँ, अगर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल बना दी तो आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो, क्योंकि लिए या फिर अपना इतने कवर भी करना पड़ेगा ना इस स्टॉक को। इसलिए अगर मतलब इस स्टॉक ने ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तब आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो। और अभी इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार। वीकली देखो गाइस, एकदम सीधी रेड कैंडल निगेटिव न्यूज की वजह से हुआ है। हम एक बार 4 आवर्स में भी देख लेते हैं कुछ न्यू पता चले। यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया। अगर मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तब आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो गाइस। फिर आपका टारगेट रहेगा 4,418 रुपीज़ का, और उसके बाद अगर इस टारगेट हिट हो गया तो आपका अगला टारगेट रहेगा 4,965 का। अगला टारगेट 4,965 का। अभी हम दूसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल, और ये स्टॉक भी बहुत अच्छी लेवल पे चालू है। और सॉरी गाइस, क्या हो गया, बहुत अच्छे लेवल पे चालू है, और ये भी एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक था। हम इसको वीकली में देख लेते एक बार। हाँ, यहाँ भी सब मतलब यहाँ पे कोरोमंडल ने सपोर्ट ले लिया है। अगर इस सपोर्ट को कोरोमंडल ने तोड़ दिया और इसके नीचे कैंडल बना दी तब आप बाइंग के सॉरी सेलिंग के तरफ प्लान कर सकते हो। अगर कोरोमंडल लिमिटेड ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, ग्रीन कैंडल बना दी और ग्रीन कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तब आप बाइंग के तरफ प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा 1,253 का। पहला टारगेट रहेगा आपका कोरोमंडल लिमिटेड का, वहाँ पे रेजिस्टेंस। इसलिए अगर मार्केट ने मतलब कोरोमंडल लिमिटेड ने इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर दी तब आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा 1,068 रुपीज़ का। ये स्टॉक का ये इतनी प्लानिंग रह सकती है आपका, अगर मार्केट मतलब इस स्टॉक ने 15 मिनट्स की कैंडल नीचे क्लोज कर दी तो आपका टारगेट इट इज़ योर टारगेट। और उसके बाद हम अपना दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, एशियन पेंट्स। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और हाँ ये एक अभी सपोर्ट पे ये स्टॉक। अगर इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से ऐसा रिवर्स हो गया मतलब पुल बैक टाइप, तो अब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसलिए अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल बन गई तो अब आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो, और आपका पहला टारगेट होगा 545 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट इज 3,600 के तरफ आपका टारगेट जा सकता है। और पुल बैक भी ले सकते हैं आप, या तो यू टर्न हो गया यहाँ से स्टॉक तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ऐसी ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे एक ग्रीन रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, मतलब ये कैंडल क्लोज हो गई ग्रीन, और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे आपका एंट्री आप एंट्री ले सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 3,445 का, 55 का, और सेकेंड टारगेट 3,600 का, लगभग वहाँ तक आपका टारगेट रह सकता है। और ये स्टॉक बहुत अच्छा है, एशियन पेंट्स कब से एक लेवल में, सॉरी गाइस, कब से एक ही रेंज में चल रहा है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया इस लेवल के ऊपर तो ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जा सकता है, और इस लेवल को तोड़ दिया मतलब नीचे की साइड में तो यहाँ पे बहुत खतरनाक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। अब हम देख लेते हैं हमारा चौथा स्टॉक है SRF लिमिटेड। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये भी एक ही रेंज में चालू है, ये इतना ही रेंज में चालू है। बट इस स्टॉक में आपका बाइंग प्लान क्या रहेगा बता देता हूँ मैं आपको, तो मैं से डिलीट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी ये इसमें डाउन ट्रेंड
मतलब डाउन तरफ कैंडल बना दी रेड कैंडल, अगर इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया ग्रीन कैंडल बना दी, तो अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन के आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो, और आप रिवर्सल ट्रेड के ऊपर भी प्लान कर सकते हो, मतलब सपोर्ट पे ट्रेड ले सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 255 का, यहाँ पे सेकेंड टारगेट रहेगा 2771 का। आपको मुझे लगता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसे जा सकता है, इट इज़ फॉर ऑनली एजुकेशनल पर्पज। आपका फर्स्ट टारगेट, आपका सेकेंड टारगेट, अगर मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो आप सेलिंग की तरफ प्लान कर सकते हो, और सेलिंग की तरफ फर्स्ट टारगेट इज इवन 2056 रुपीज़ का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अभी हम अपना दूसरा स्टॉक मतलब फिफ्थ स्टॉक देख लेते हैं। हमारा फिफ्थ स्टॉक है संयम मेटेलिक्स एंड एनर्जी, और ये स्टॉक हाई पे चालू एकदम। अगर मार्केट ने 683 का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, तब आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट, आप टारगेट ट्रेल मतलब एसएल ट्रेल कर करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस स्टॉक में। और ये स्टॉक को हम एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार, क्या था? हाँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, हाँ ये यहाँ पे एक बॉक्स में आ गया है गाइस, ये बॉक्स में आ गया है। अगर इस बॉक्स को तोड़ दिया इसने तो आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हैं, या इस बॉक्स को आपने इसने तोड़ दिया तो आप सेलिंग की तरफ प्लान कर सकते हैं। सेलिंग की तरफ जो आपको प्लान करना होगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 665 का टारगेट रह सकता है आपका सेलिंग के पर तरफ। अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर दी तब आपका बाइंग की तरफ एसएल ट्रेड कर करके आपको चलना है। अभी हमारा सेवन सेवन स्टॉक है, हमें इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ गाइस, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, रीसेट चार्ट। एस्ट्रॉल लिमिटेड स्टॉक है, बहुत अच्छे स्टॉक है, ये भी एक ही रेंज में चालू है। अगर ये रेंज में से मार्केट ने इस ऊपर कैंडल क्लोज कर दी तो आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो, अगर मार्केट ने नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर दी तब आप सेलिंग की तरफ प्लान कर सकते हो, और आपको बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, क्योंकि ये बहुत दिनों से एक ही रेंज में बॉक्स में चल रहा है। और आपका टारगेट इसमें इस स्टॉक में अगर ऊपर के साइड में गया तो आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, और नीचे के साइड में रहा है तो आपको आपका टारगेट रहेगा 1300-1400 तक आपका टारगेट रह सकता है इस स्टॉक में। और हम इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी देख लेते एक बार, 15 मिनट्स रीसेट। हाँ देखो गाइस यहाँ पे भी बॉक्स में चला गया है, अगर बॉक्स को इसने हिट कर दिया तो आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो। बाय बाय गाइस, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। बाय बाय।